तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सुबह का टाइम है और कुछ बड़ी खबर हम आपके लिए लाए हैं। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर WWE के अधिकारी ने दिया बहुत बड़ा बयान। लेसनर का एक फोटो हुआ वायरल। आर रेटेड सुपरस्टार एज ने किया रॉयल रंबल में रिटर्न का ऐलान। मैकमैन का हुआ निधन। WWE में शोक की लहर। स्टेफनी मैकमैन और सेन मैकमैन पर टूटा दुख का पहाड़। सारी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। सबसे पहले चर्चा करते हैं दो भारतीय रेसलर्स की। दरअसल सुपरस्टार स्पेक्टल में दोनों ने बहुत बड़ा मैच जीत लिया। WWE वालों ने सुपरस्टार स्पेक्टल का दूसरा मैच 8-man टैग टीम के रूप में बुक किया था। इसमें दो भारतीय रेसलर भी शामिल थे दोस्तों। इस 8-man टैग टीम मैच में रे मिस्टीरियो रिकॉसे, भारत के सैंकी सिंह, जायंट जंजीर ने एंट्री किया था। डॉल्फ जिगलर, किंग कॉर्बिन, सिजेरो और सिंस के नाकामुरा बाद में आए। यहाँ पर मैच काफी बढ़िया चला, एक नंबर का मैच था और जायंट जंजीर का प्रदर्शन एक नंबर का था। यहाँ पर मेरे को काफी बढ़िया मैच लगा दोस्तों। मेरे फेवरेट रे मिस्टीरियो ने सिजेरो को जिस तरीके से 619 लगाया, उसमें तो मजा ही आ गया था। यह मैच जीत लिया सैंकी, जंजीर, रे मिस्टीरियो और रिकोसे ने। मैच के बाद सैंकी सिंह ने रे मिस्टीरियो को अपने कंधे पर उठा लिया और जायंट जंजीर ने रिकोसे को कंधे पर बैठाया। भारतीय रेसलरों ने सुपरस्टार स्पेक्टल में यह बहुत ही बड़ा कारनामा किया है दोस्तों। आप सभी लोगों की सैंकी सिंह और जायंट जंजीर के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। WWE के लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है दोस्तों। दरअसल मैकमैन का निधन हो गया है। सेन मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन पर दुख का पहाड़ टूट गया है दोस्तों, क्योंकि उनके चाचा जी रोड मैकमैन का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। WWE के मालिक विंस मैकमैन के भाई थे रोड मैकमैन। मैकमैन के निधन की वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन भी काफी दुखी है दोस्तों। विंस मैकमैन के एक ही भाई थे दोस्तों और वह थे रोड मैकमैन। दरअसल दोस्तों इनका निधन 20 जनवरी को ही हो गया था, पर इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई थी। कुछ समय पहले ही यह जानकारी हमारे सामने आई। रोड मैकमैन नॉर्थ अमेरिकन स्टील के मालिक थे। WWE के मालिक विंस मैकमैन के पिता विंस मैकमैन सीनियर और उनके दादा जेस मैकमैन प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस का हिस्सा थे। दोनों के बाद विंस मैकमैन ने अपने पिता की विरासत को संभाला, लेकिन रोड मैकमैन को इसमें कोई भी रुचि नहीं था दोस्तों। रोड मैकमैन यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स का हिस्सा थे और बाद में अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने अपना बिजनेस किया था। यह था नॉर्थ अमेरिकन स्टील्स का बिजनेस। अब दोस्तों सेन मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन के यह चाचा जी ही थे और अब आपको पता ही है जब परिवार का कोई गुजर जाता है तो क्या बीतती है। ऐसे में विंस मैकमैन के ऊपर भी दुख का पहाड़ टूटा है। ये विंस मैकमैन से 2 साल ही बड़े थे। भले ही यह रेसलिंग बिजनेस में हाथ इन्होंने नहीं आजमाया हो दोस्तों, पर ये WWE के कई इवेंट्स में नजर आ चुके हैं। इन्हें हॉल ऑफ फेम इवेंट्स में भी कई बार देखा गया था और साल 2007 में दोस्तों ये विंस मैकमैन के मरने वाली स्टोरी लाइन में नजर आने वाले थे। यह विंस मैकमैन के फ्यूनरल में नजर आने वाले थे, लेकिन क्रिस बेनोइट वाले हादसे की वजह से स्टोरी लाइन में बदलाव किया गया और यह नहीं आ पाए। कुछ समय पहले यह खबर हाथ लगी थी दोस्तों कि स्मैकडाउन के एपिसोड के दौरान बैक स्टेज में विंस मैकमैन नहीं थे और इसका बड़ा कारण यही था दोस्तों, वह काफी ज्यादा दुखी हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि विंस मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन और सेन मैकमैन को यह दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति मिले और रोड मैकमैन की आत्मा को शांति मिले। चलिए आप चर्चा करते हैं आर रेटेड सुपरस्टार एच के बारे में। दरअसल दोस्तों अब रॉयल रंबल 2021 होने वाला है और दिग्गज रेसलर यानी आर रेटेड सुपरस्टार एच ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह इस साल रॉयल रंबल का हिस्सा होने वाले हैं। एच की एंट्री के बाद उनकी पत्नी और दिग्गज महिला रेसलर बेथ फिनिक्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल दोस्तों रॉ में एच ने सैटेलाइट से एक प्रोमो कट किया था और उन्होंने बताया था कि वह साल 2021 के रॉयल रंबल का हिस्सा होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों फैंस चौंक गए हैं और ऐसे में आप देखना होगा दोस्तों क्या करते हैं एज। आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या एज एक बार फिर से वाइपर का कुटान करेंगे रॉयल रंबल में? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
चलिए आप चर्चा करते हैं बीस्ट यानी ब्रॉक लेसनर के बारे में। साल 2020 में सबसे बड़ी खबरों में से एक यह भी था दोस्तों कि लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों पिछले साल अगस्त के महीने में द बीस्ट का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ पूरा भी हो गया था। अब विंस मैकमैन दोस्तों खास तौर से लेसनर को किसी भी कीमत पे छोड़ते नहीं है। उन्हें पता है लेसनर क्या चीज है, लेसनर के आने के बाद रेटिंग में किस तरीके से इजाफा होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों रेसलमानिया को लेकर लेसनर के रिटर्न पर एक बहुत बड़ा बयान दिया WWE के वरिष्ठ अधिकारी यानी ट्रिपल एच ने। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर के रेसलमानिया 37 में हिस्सा लेने को लेकर बहुत बड़ा बात कही थी। यहाँ पर ट्रिपल एच ने साफ कहा दोस्तों कि एक चीज उन्होंने लेसनर के बारे में जानी है कि ब्रॉक लेसनर वही करते हैं जो वह चाहते हैं। इस समय अब आने वाला टाइम ही बताएगा वह क्या करेंगे। अगर वह रेसलमानिया में आना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, और अगर वह नहीं आना चाहते हैं तो वह आएंगे ही नहीं। जवाब पाने का एक ही तरीका है, ब्रॉक लेसनर को कॉल करना। अब ईमानदारी से आपको साफ कहूंगा दोस्तों, अगर मेरे पास लेसनर का नंबर होता भी तब भी मैं नहीं पूछता, क्योंकि आपको पता है बहुत ही खतरनाक इंसान है, बहुत ही प्राइवेट रहते हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने वाले लोग पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी WWE के अधिकारी उन्हें जरूर कॉल कर रहे होंगे और मेरे हिसाब से उन्हें रेसलमानिया में तो जरूर बुलाया जाएगा। अब इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को आजकल सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है दोस्तों इस तस्वीर की, और बहुत सारे लोग मेरे से भी कह रहे थे कि मोनू भाई यह तस्वीर असली है या नहीं। तो दोस्तों यह एडिटिंग का कमाल है, मैं आपको बता देता हूँ, और किसी ने यह फोटो अच्छे से एडिट किया है। अब रही बात लेसनर की, तो आपको पता ही है किस तरीके से उनके एक या दो फोटो ही सामने आए थे। लेसनर बहुत प्राइवेट आदमी है दोस्तों, और वह क्या करते हैं यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने लेसनर के कई राज आपको बताए हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि लेसनर रेसलमानिया तक तो आ ही जाएं। आप लोगों की क्या राय है लेसनर को लेके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स और रूमर्स। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।